आज आप सीखेंगे रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल और इसका एक उदाहरण है टेलनेट। टेलनेट ही रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। टेलनेट इज़ द मेन इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर क्रिएटिंग अ कनेक्शन विथ अ रिमोट मशीन। अगर आपको किसी रिमोट मशीन से अपने कंप्यूटर का से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो आपको एक इंटरनेट प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें आप टेलनेट का उपयोग कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू कनेक्ट टू रिमोट कंप्यूटर। इसकी मदद से रिमोट कंप्यूटर से आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो, कॉल्ड रिमोट होस्ट, जिसको कि रिमोट होस्ट के नाम से भी जानते हैं, ओवर TCP/IP नेटवर्क। और इसके लिए TCP/IP नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, सच एज इंटरनेट, जैसे कि इंटरनेट। वन योर टेलनेट क्लाइंट इस्टेब्लिशेस ए कनेक्शन टू द रिमोट होस्ट। अगर एक बार टेलनेट की क्लाइंट की मदद से रिमोट होस्ट पर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, योर क्लाइंट बिकम्स अ वर्चुअल टर्मिनल। इस प्रकार से आपका जो क्लाउड कंप्यूटर है एक वर्चुअल टर्मिनल की तरह काम करता है, अलाउंग यू टू कम्युनिकेट विथ अ रिमोट होस्ट, जिससे कि आप रिमोट होस्ट से कम्युनिकेट कर सकते हो फ्रॉम योर कंप्यूटर, अपनी कंप्यूटर से, विथ वट एवर प्रिविलेजेस यू मे हैव बीन ग्रांटेड। जो भी आपको प्रिविलेज दी जाएंगी उस प्रिविलेज के आधार पर आप रिमोट कंप्यूटर पे काम कर पाएंगे। टू द स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड डेटा ऑन दैट होस्ट कंप्यूटर। तो जो भी प्रिविलेज हैं उसके आधार पर आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन अथवा होस्ट कंप्यूटर के किसी भी डेटा पे काम कर सकते हैं। टेलनेट क्लाइंट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जो टेलनेट क्लाइंट्स होते हैं वो सभी जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उसके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि मैक ओएस, एक्स, विंडोज, यूनिक्स एंड लिनक्स। टू यूज दीज क्लाइंट्स गो टू देयर रिस्पेक्टिव कमांड लाइन्स एंड देन एंटर टेलनेट। अगर आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके रिस्पेक्टिव कमांड लाइन पर जाइए और आपको टाइप करना होता है टेलनेट होस्ट, वेयर होस्ट इज द नेम ऑफ द रिमोट कंप्यूटर। यहाँ पर होस्ट का मतलब है रिमोट कंप्यूटर का नाम। टू विच यू विश टू कनेक्ट, जिससे कि आप कनेक्ट होना चाहते हो। इन मोस्ट केसेस यू विल नीड टू हैव एन अकाउंट ऑन दैट सिस्टम बट कैन ऑल्सो लॉग इन एज गेस्ट और पब्लिक विदाउट हैविंग एन अकाउंट। इस प्रकार से होस्ट कंप्यूटर पर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आपको उस पर लॉग इन करना होता है, लेकिन अगर आप गेस्ट की तरह भी लॉग इन कर सकते हो अथवा अगर पब्लिक है तो आप बिना लॉग इन किए भी टेलनेट का उपयोग कर सकते हैं। टेलनेट इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय प्रोग्राम डेवलपर्स एंड एनीवन। टेलनेट का बहुत सारा उपयोग जो है प्रोग्राम डेवलपर के द्वारा किया जाता है अथवा कोई कोई भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है हु हैज अ नीड टू यूज स्पेसिफिक एप्लीकेशन और डेटा लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर होस्ट कंप्यूटर, या जो भी व्यक्ति होस्ट कंप्यूटर पर उपलब्ध डेटा का उपयोग करना चाहता है या उसके एप्लीकेशन को यूज करना चाहता है। इट गिव्स द यूजर द अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन वन कंप्यूटर सिस्टम एंड टू वर्क ऑन अनदर। इस प्रकार से जो टेलनेट होता है एक कंप्यूटर पर रहते हुए दूसरे कंप्यूटर पर काम करने की अनुमति प्रदान करता है, विच मे बी एनी वेयर अक्रॉस द ग्लोब। और वो जो रिमोट कंप्यूटर है ग्लोब में कहीं पर भी हो सकता है, पूरे विश्व में कहीं पर भी हो सकता है। टेलनेट प्रोवाइड्स एन एरर फ्री कनेक्शन विच इज ऑलवेज फास्टर देन द लेटेस्ट इन्वायरमेंटल मॉडम्स। जो टेलनेट होता है वो एरर फ्री कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप फास्टर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसमें कन्वेंशनल मॉडम के द्वारा भी काम किया जा सकता है।